अगर आप अस्थमा या दमा जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो इसमें आपके खान पान की भी अहम भूमिका होती है। कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से दमा उभरता है, जबकि कुछ खाने की चीजों से दमे को शांत किया जा सकता है। पहले ये जान ले कि क्या खाना सही होता है। अस्थमा पेशेंट को विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो फेफड़ों की सुरक्षा करने में सहायक हो सकता है। आपको तरबूज, पपीता, अंगूर, आंवला, अनार, सेब, संतरा और नींबू जैसे खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। बीटा कैरोटीन अस्थमा के रोगी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गाजर में ये तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा खुबानी, चेरी, हरी मिर्च और शिमला मिर्च के साथ ही शकरकंद खाना भी लाभकारी है। फेफड़ों के लिए हरी सब्जियां काफी फायदेमंद होती हैं। हरी सब्जियों को खाने से फेफड़ों में कफ जमा नहीं हो पाता, जिससे अस्थमा के रोगियों को अटैक आने जैसी आशंकाएं कम हो जाती हैं। प्रोटीन से भरपूर काला चना, मूंग दाल, सोयाबीन और कई अन्य ऐसी दालें हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकती हैं। ये दालें फेफड़ों के लिए अच्छी मानी जाती हैं, इसलिए दमा के मरीजों को इनका सेवन नियमित मात्रा में करना चाहिए। तो इन खाद्य पदार्थों को आप अच्छे से खा सकते हैं, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिससे अस्थमा के मरीजों को परहेज करना चाहिए। मूंगफली का सेवन अस्थमा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे खांसी और सांस फूलने की समस्या ज्यादा हो सकती है। ऐसे में जितना हो सके इसे अवॉइड करें। अस्थमा से जूझ रहे मरीजों को खाने में ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमक से अस्थमा अटैक का खतरा रहता है। इसे खाने में मॉडरेशन में यूज करें। प्रोसेस्ड फूड में प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल कलरिंग होती है, जो फेफड़ों की सूजन को खराब कर सकते हैं। इसलिए आप बाहर की चीजें कम ही खाएं तो बेहतर है।